वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स स्पेस, जिसमें कि ओपन स्पेयर एंड क्लोज स्पेयर पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ओपन स्पेयर एंड क्लोज स्पेयर रियल नंबर पे एंड नेचुरल नंबर पे, ठीक है। वो एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं ओपन स्पेयर एंड क्लोज स्पेयर डबल आर पे, मतलब रियल नंबर होगी पर डबल रियल नंबर होगी। तो इसमें भी यूजुअल मैट्रिक्स का ही यूज होगा, जैसे कि प्रीवियस क्लास में यूज हुआ था यूजुअल मैट्रिक्स। तो यूजुअल मैट्रिक्स प्रीवियस क्लास में बता चुके थे कैसे था, इसमें भी हम बताएंगे। बट डबल रियल नंबर में यूजुअल मैट्रिक्स जो होगी ना, वो एक्स वाई दो एलिमेंट तो रहेगा, बट एक्स इंडिकेट करेगा एक्स वन एक्स टू, वाई इंडिकेट करेगा वाई वन वाई टू। जैसे कि ए को हम सेंटर लेंगे इसमें, तो ए इंडिकेट करेगा ए वन और ए टू इंडिकेट करेगा, ठीक है। डबल डबल पेयर में इसमें चलेगा, डबल रियल नंबर है पेयर में चलेगी इसमें, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर देखते हैं, इससे भी एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो जरूर कीजिएगा इस चीज को। तो ओपन स्क्वायर इन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर डबल आर बोलते हैं, आर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो यूजुअल मैट्रिक्स होती है कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे सॉल्यूशन में ही लिखते हैं, ठीक है। द यूजुअल मैट्रिक्स, द यूजुअल मैट्रिक, द यूजुअल मैट्रिक फॉर आर स्क्वायर। तो आर को आप इस तरीके से लिखिए, दिस वन आर स्क्वायर, ठीक, रियल नंबर डबल रियल नंबर आर स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर इज डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन है, तो डी ऑफ एक्स वाई जो हमारा होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा x1, ठीक है, x1 x2 y1 y2। तो x1 माइनस y1 फिर प्लस x2 माइनस y2, और ये हमारा रूट अंडर रहेगा, ठीक। एंड इसकी भी होती है स्क्वायरिंग, कुछ इस तरीके से हम करवाए हुए थे, क्या इक्वेशन करवाए हुए चैप्टर वन में, वहां पे हमारा थंबनेल में लिखा हुआ यूजुअल मैट्रिक्स साइड में लिखा हुआ, उसमें भी शायद हम बताए थे कि यूजुअल मैट्रिक्स इसको बोला जाता है आर स्क्वायर का यूजुअल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आर स्क्वायर का यूजुअल मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होती है, दिस वन, ठीक। एंड एक्स वन और एक्स टू और वाई वन और वाई टू इंडिकेट क्या कर रहा है, एक्स जो इंडिकेट कर रहा है एक्स वन एक्स टू को, वाई इंडिकेट कर रहा है वाई वन वाई टू को। और ये सारे इलेमेंट कहाँ के होंगे, तो आर स्क्वायर के ही इलेमेंट होंगे, ठीक है। उतना नहीं लिखने जा रहा था, बट समझ आइए कि आर स्क्वायर का ही है हमारा, तो आर स्क्वायर का ही सारे इलेमेंट होंगे। या तो लिख सकते हैं फॉर x इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एंड y इक्वल टू वाई वन वाई टू, जो कि बिलोंग करेगा किसमें, r स्क्वायर में बिलोंग करेगा, कुछ इस तरीके से ये टर्म लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक। दिस वन यूजुअल मैट्रिक्स को r स्क्वायर इस तरीके से डिफाइन किया है। तो वेयर दिस वन x जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स वन एक्स टू, वाई इंडिकेट कर रहा है वाई वन y2, ठीक है। लेट इसमें जो इलेमेंट होगा, कोई a इलेमेंट लेना होगा, सेंटर तो लेना होगा, ओपन स्पेयर है ऑब्वियसली, सेंटर लेना होगा जो इंडिकेट करेगा a1 और a2, एंड हमारा क्या होगा, रेडियस होगा जो कि ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, जीरो से बड़ा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि d ऑफ a r किस तरीके से निकालते हैं, d ऑफ a r, x हमारा कोई इलेमेंट रहता है, ठीक है, एक्स इलेमेंट रहेगा, कहाँ में बिलोंग करेगा, आर स्क्वायर में। देन यहाँ पे क्या होता है, डी ऑफ ए एक्स होता है ना, तो डी ऑफ हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स बोलिए या एक्स ए बोलिए, ए एक्स या फिर एक्स ए, ठीक है। तो एक्स ए अगर लिखते हैं तो हमारा आएगा इस तरीके से, हमारा टर्म्स आएंगे, ठीक है। दिस वन लेस देन हमारा क्या होगा, आर, ये होता है x पहले वाला टर्म था ना, इसीलिए x हम पहले लिखे ना, तो ax भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स स्पेस है ना, तो सिमेट्रिक फंक्शन तो हमारा सेटिस्फाई करता ही है कि नहीं। तो दिस वन, ठीक है, देन तो देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा कि x बिलोंग्स टू दिस वन आर स्क्वायर, डी ऑफ एक्स ए, तो x के जगह पे तो एक्स वन एक्स टू रहेगा ही, रूट अंडर ये हमारा है एक्स वन एंड एक्स टू रहेगा, माइनस क्या होगा यहाँ पे ए की जगह पे ए वन ए टू दो रहेगा ना, ए वन का ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर, ये लेस देन होगा हमारा आर, ठीक है। एंड हम स्क्वायरिंग को हटाते हैं तो क्या होता है, एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर, ये लेस देन आर स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हटता है तो उधर स्क्वायरिंग चल जाता है ना, ये पता है ना।
और ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल की ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू या लेस देन बोलिए आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। इसके आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, सर्कल बनेगा, यहाँ सेंटर ए वन ए टू सेंटर लीजिए, ठीक, ये हमारा रेडियस होगा, एंड जो यहाँ पॉइंट है वो हमारा एक्स वन एक्स टू पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ली दिस वन दिस, क्लियर, समझ में आई बात। आप ऐसे ना करके, मतलब सिंगल सिंगल इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक, इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है ओपन स्फीयर इन आर स्क्वायर में, और इसके बाद कुछ डिफिनेशन भी आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरी है, ठीक, दिस दैट इज ओपन स्फीयर इन दिस केस कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट कर रहा है, ऑफ पॉइंट, कुछ पॉइंट कंसिस्ट कर रहा है, मतलब इंडिकेट कर रहा है क्या कि x1 और x2 इन प्लेन में विच लाइज, जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, विच लाइज द सर्कल, सर्कल में, ठीक है, सर्कल सेंटर एट कहाँ पे, तो a पे जो कि हमारा होता है सेंटर a1 और a2 एंड रेडियस r, रेडियस r, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर स्क्वायर जो कि ओपन स्फीयर में था, एंड उसी तरीके से सिमिलरली क्लोज स्फीयर में भी आपको इसी तरीके से लिखनी होगी, क्लोज स्फीयर, हम ऊपर में लिखते रहे, ये आप लोग लिख लीजिए, हम तब ऊपर लिखते हैं क्लोज स्फीयर इन आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्लोज स्फीयर कैसे करेंगे, तो सिमिलरली द क्लोज स्फीयर इसे मेज कर रहे हैं, ओके, और ये फिगर जरूर ड्रॉ कर दीजिएगा, मतलब बना दीजिएगा एग्जाम में अगर आया तो। सिमिलरली द क्लोज स्फीयर इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच लाइज विद इन एंड ऑन द सर्कमफेरेंस, मतलब क्या हो जाता है ना कि इसमें देखिए, इसमें जो है सर्कल दिस वन हमारा सेंटर होगा, ए वन ए टू सेंटर होगा एंड रेडियस होगा, ठीक है, एक्स वन एक्स टू कहाँ से होगा, तो ये देखिए एक्स वन एक्स टू यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, या फिर हमारा एक्स वन एक्स टू इस पॉइंट पे भी हो सकता है, ठीक है, ये पॉइंट पे मतलब सर्कमफेरेंस जो होती है वो सर्कमफेरेंस मतलब पूरा सर्कल लेके और सर्कल के अंदर भी रहता है, मतलब लेस देन इक्वल होता है ना, वहां पे क्या होता है लेस देन था, तो मतलब क्या होता है कि एक्स वन एक्स टू अंदर रहेगा, इसलिए फिगर में शायद हम यही पे बना दिए थे क्या, अब अंदर में इसको ऐसे डिनोट कर दीजिएगा, एक्स वन एक्स टू कर दीजिएगा, ठीक है, एक्स वन एक्स टू अंदर में डिनोट करके, और यहाँ पे क्या होता है कि ये सर्कमफेरेंस को ऊपर भी रह सकता है या अंदर भी रह सकता है, दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करता है क्लोज में, ठीक है, बट ओपन में क्या होता है कि सेटिस्फाई नहीं करता है दोनों कंडीशन, सिर्फ सिंगल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अंदर रहता है ओपन में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एंड ऑन द सर्कमफेरेंस circumference of the circle center at A, जो कि indication होगा A1 और A2, and radius जो होगी वो क्या होगी, radius होगा R, जो कि greater than 0 होगा, ठीक है। The usual matrix, usual matrix for R square is defined by d of x y equal to, क्या था यूजुअल मैट्रिक्स, रूट अंडर x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर फॉर ऑल x x1 x2 y y1 y, ठीक है,
वाई टू, सारे बिलोंग कहाँ करेंगे, आर स्क्वायर में बिलोंग करेगा, ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। देन तो क्या होता है, डी ऑफ हमारा क्या होगा, ए और आर, ठीक है, डी ऑफ ए आर इक्वल टू एक्स को एलिमेंट है जो कि हमारा बिलोंग करेगा, दिस वन आर स्क्वायर में बिलोंग करेगा, दैट इज डी ऑफ क्या होगा एक्स, और आप ले लीजिए जैसे ए एक्स लिख देते, एक्स ए लिखिए, बताएं सिमेट्रिक फंक्शन के थ्रू, और ये लेस देन आर हो जाएगा, ठीक है, ये क्लोज स्फीयर का होता है, सेम बॉक्स होता है ना, क्लोज स्फीयर लेस देन इक्वल टू आर होता है। देन तो यूजुअल मैट्रिक्स के थ्रू हम बता सकते हैं क्या, कि ये वाला टर्म एक्स वन, तो एक्स माइनस ए वन का होल स्क्वायर प्लस फिर एक्स टू माइनस ए टू का होल स्क्वायर, ये लेस देन क्या होगा, आर होगा, ठीक है। एंड फिर से एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये जो है रूट इधर जाएगा तो स्क्वायरिंग में चेंज हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं दिस वन एक्स टू माइनस ए टू का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा क्लोज स्क्वायर, जो कि क्लोज स्फीयर इन आर स्क्वायर में। और ये भी जो है इक्वेशन क्या है, ये हमारा सर्कल का ही इक्वेशन है जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी होगी आप लोग को, ठीक है। तो ये था हमारा मीन्स ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर इन आर स्क्वायर में। तो उम्मीद है कि समझ में आया हो किस तरीके से हम इसको सब दिखाएं, एग्जाम में भी सेम इस तरीके से आप लोग को लिखनी है एंड फुल मार्क्स लानी है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए स्टूडेंट हैं, एंड वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा।